दोस्तों, YouTube में एक नया अपडेट आ चुका है और ये अपडेट ना काफ़ी यूजफुल है, क्योंकि इस अपडेट के बाद से आप अपने YouTube स्टूडियो से वीडियो को अपलोड कर सकते हो। आपको YouTube ऐप में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली अपने YouTube स्टूडियो से ही वीडियो को अपलोड कर सकते हो। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, मैंने अपना YouTube स्टूडियो ऐप को खोल के रखा है। यहाँ पे आपको ऊपर में प्लस का आइकॉन दिख रहा होगा, तो बेसिकली इसी से आप यहाँ पे वीडियो को अपलोड कर सकते हो। आपको सिंपली इस प्लस वाला आइकन में क्लिक करना है, तो यहाँ पे आपका जो गैलरी है वो खुल जाएगा। तो यहाँ से आप जो भी मतलब वीडियो अपलोड करना चाहते हो उसको आपको सिलेक्ट करना है। तो फिलहाल मैं कोई भी एक वीडियो को सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो फिलहाल मैंने ये वाला वीडियो सिलेक्ट किया है जो कि एक रेनबो का है। तो फिलहाल ना इसमें आप थंबनेल भी लगा सकते हो। तो थंबनेल के लिए आपको इस पेंसिल वाला आइकन में क्लिक करना है और यहाँ से आप कोई भी फोटो लगा सकते हो। फिलहाल मैं ये वाला से आपको दिखा रहा हूँ। तो फिलहाल मैंने यहाँ पे एक बिल्ली का फोटो लगाया है, मेरे पास दूसरा थंबनेल नहीं था, मैं आपको दिखाने के लिए लगा रहा हूँ। उसके बाद आप यहाँ पे नीचे इसका टाइटल लिख सकते हो, जैसे मैं कुछ भी लिख देता हूँ अभी। तो फिलहाल मैंने यहाँ पे ABC लिख दिया। उसके बाद आप यहाँ से डिस्क्रिप्शन ऐड कर सकते हो, तो यहाँ पे भी मैं वही ABC लिख लेता हूँ। उसके बाद यहाँ से आप अपना विजिबिलिटी चेंज कर सकते हो, तो फिलहाल मैं इसको अनलिस्टेड पे रखता हूँ। उसके बाद यहाँ से आप ऑडियंस देख सकते हो, जो कि इज नो इज नॉट मेड फॉर किड। अगर आपका किड कंटेंट है तो आपको यहाँ पे यस करना है, वरना आपको इस पर नो पे रहने देना है। उसके बाद आप यहाँ से प्लेलिस्ट ऐड कर सकते हो, यहाँ से आपका शॉर्ट रिमिक्स, आप चाहे तो इसको अलाउ या डोंट अलाउ कर सकते हो। फिलहाल मैं अलाउ करके रख देता हूँ। उसके बाद दोस्तों आपका आता है कमेंट, तो कमेंट में आप इसमें ऑन कर सकते हो और इसके साथ साथ इसमें आप जो स्टिकनेस लगा सकते हो, यहाँ पे नन भी कर सकते हो। फिलहाल तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि इसमें आप स्टिक लगा के रखना, ताकि कोई आलतू फालतू कमेंट ना कर पाए। उसके बाद आपको सिंपली यहाँ पे अपलोड पे क्लिक कर देना है, उसके बाद ये वीडियो अपलोड हो जाएगा। उसके बाद आप इसको सिंपली YouTube स्टूडियो से एडिट करके पब्लिक कर सकते हो। लेकिन दोस्तों इसमें ना आप इसमें एंड स्क्रीन या आई कार्ड वगैरह नहीं लगा सकते, आपको उसके लिए मतलब डेस्कटॉप वर्जन भी जाना पड़ेगा। और दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि YouTube एक ऐसा अपडेट लेकर आए जिससे कि हम मोबाइल ऐप मतलब YouTube स्टूडियो ऐप से हम एंड स्क्रीन या आई कार्ड लगा सके, जिससे ना काफ़ी हेल्पफुल हो जाएगा, हमें बार बार क्रोम में नहीं जाना पड़ेगा। तो दोस्तों आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको ये अपडेट कैसा लगा। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो एक लाइक जरूर से कर देना, और अगर चैनल पर आ रहे हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट अगली वीडियो पर।